came here to party. I'm not gonna lie. So call up somebody, cause I ain't got the time. Nah, nah. I'm feeling myself in the best way. ऊपर से तेरी खबर लग लग करे सीने में जब नाचे सोड़े तो पसीने दिल दिए भटका के ध्यान मेरा मैडम जी मैं तेरा भाई नहीं है। एक वाला भी लगा लेंगे जरा कोई जो भी था बड़ा वाला जो पसंद आया ये अच्छा लग रहा है बेटा। ये वाला कैसा लग रहा है? कौन सा जही ले ले तो क्या बोलती पब्लिक, पहुंच गए हम लोग लखनऊ सिटी के स्टेशन पर और इंतजार है अब हमें ट्रेन का। हमारे साथ में एक हमारे दोस्त भी बन गए हैं भाई, अपना नाम बता दीजिए। धर्मेश तिवारी भाई हैं, बहुत नाइस पर्सन है और हम सब लोग साथ में ही मुंबई जा रहे हैं। दो आए थे, तीन हो गए हैं। अभी रास्ते में देखते हैं क्या क्या सीन रहता है। हर स्टेशन पर थोड़ा बहुत एंजॉय लेंगे क्योंकि लंबा सफर है, लंबा ब्लॉग नहीं बनाएंगे, डोंट वरी, छोटा ब्लॉग होगा लेकिन मजा आएगा। चलो भाई बम्बई के सफर पे आ जाओ साथ में। तो कैसे आप सब? प्लीज सब बढ़िया होंगे। गाइस अभी हम हैं लखनऊ के स्टेशन पे, सिटी स्टेशन से कहते हैं, और अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं मुंबई। तो गाइस देखिएगा लास्ट तक और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मचाने का आज बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि किसी हम खास मकसद से जा रहे हैं और इंशाल्लाह वो अगर मकसद में हम कामयाब होते तो बाकी बहुत बड़ा सरप्राइज है। बहुत बड़ा लास्ट तक बने रहे, बहुत बड़ा सरप्राइज है और वो अभी मैं नहीं बता सकता। चलते हैं, देर हो रही है। Cause I thought I could swim, but we break up every weekend. Was it gonna be like that? Oh, I just wanted you so bad. Playing with my mind, was that your intention? Cause I'm missing you. Oh, cause I'm missing you. क्या है मेरे दोस्तों, फाइनली आ गए हम लोग वापी और बताना चाहेंगे 24 घंटे लगातार सफर करके आए हैं। तो हालत तो ऑफकोर्स बहुत बुरी हो रही है हमारी भी और समर की भी। तो कहना चाहेंगे कि भाई इतना लंबा सफर करने के बाद बस जी चाह रहा है जल्दी से पहुंच जाए फ्लैट पर और सो जाए, लेकिन हमारा सफर थोड़ा लंबा है। भैया ने झाड़ू भी लगाना मेरे साथ नहीं स्टार्ट कर दिया। तो
ऐसा सीन है कि हम यहाँ पर वापी आ गए, लेकिन यार माफी चाहेंगे, बहुत सारी स्टेशन पर ट्रेन ना एक मिनट या दो मिनट ही रुकी, तो हमने उतरना ठीक नहीं समझा, तो इस वजह से हम ज़्यादा क्लिप्स वगैरह तो नहीं हर स्टेशन की शूट कर पाए, लेकिन हाँ जो भी हमें रास्ते में अच्छे नज़ारे नजर आए ना उसको मैंने अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। अंकल जी मेरे पीछे ही पड़े हैं, झाड़ू लेके मैं पीछे आ जाता हूँ। तो बात ऐसी है कि हमने जो अच्छी हमें क्लिप्स लगी ना रास्ते में, वो हमने अपने मोबाइल में कैप्चर किए हैं स्पेशल आप लोगों के लिए, ब्लॉग के बीच में डाल देंगे, ज़रूर देखना। सो गाइस, पहले अंकल आ गए और बाद में आ गई ट्रेन, तो आवाज सुनाई नहीं दे रही थी तो मैंने ट्रेन ही दिखला दी। बाकी यार भूख बहुत तेज लग रही है, और पोपट ये हो गया कि यहाँ पर नाइट लॉकडाउन चल रहा है, तो वापी के बाहर गए थे, सोचा था कुछ तड़का वड़का मार के बड़ा चटपटा बनवा के कुछ खाएंगे ना, इस वजह से ना हमने ट्रेन में भी नहीं गया था और बाद में खाना, क्योंकि हमें पसंद नहीं आता ट्रेन का खाना। तो अब सीन ऐसा है कि बाहर गए तो पता चला लॉकडाउन की वजह से, नाइट लॉकडाउन की वजह से सब कुछ ऑफ हो गया है, तो वापस आ गए प्लेटफॉर्म पर और देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर, जो भी मिलेगा भाई खा लेंगे, क्योंकि जाना मुंबई था लेकिन जिनके पास जा रहे थे उन्हीं का फ़ोन आया और इस वजह से हमें वापी उतरना पड़ा, और वापी में उनसे कुछ काम है तो किसी से मिलना है, उन्होंने बोला है कि वहाँ पर उनसे मिल लो, उनसे मिलने के बाद उमरगांव स्टूडियो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, भूख बहुत देर लग रही है गाइस, कुछ खा लेते हैं उसके बाद फिर से मिलेंगे आप लोगों से, लेकिन लास्ट तक बने रहे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन देखते रहिएगा, एक सरप्राइज है लास्ट में, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों को ये ब्लॉग के एंड में देखने को मिल जाएगा। बाकी जाते हैं कुछ पेट पूजा कर लेते हैं यार, चलो अल्लाह हाफिज़। सबसे अच्छी बात बता देता हूँ आप लोगों को, कभी भी वापिस स्टेशन आना हो तो यहाँ पर ना वड़ा पाव खाना अंकल की शॉप का, बहुत अच्छा वड़ा पाव होता है, और हमने समझ लो एक वड़ा पाव खाया और इतना अच्छा लगा हम लोगों ने चार पाँच खा लिया। और सीधी सी बात है, आप जब भी इस स्टेशन पर आओ ना तो पहले अंकल से ज़रूर कॉन्टेक्ट कर लेना, क्योंकि ऐसा होता है ना रात विरात आते हो ना तो हर कहीं का थोड़ा अलग अलग माहौल होता है, तो अंकल आपको अच्छे से गाइड भी कर देंगे, और आप इनकी शॉप पर जाना तो वड़ा पाव ज़रूर खाना। प्लेटफॉर्म नंबर दो पर आओगे ना, अंकल की शक्ल याद रखो, वो जो काउंटर लगे होते हैं ना जहाँ पर सब मिल रहा होता है सामान, तो आप सीधा अंकल को देख लेना, बस अंकल के पास चले जाना, अंकल के हाथ का वड़ा पाव खाओगे एक बार आओगे बार बार। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं आप उमरगांव। सो भाई लोग आ गए हम लोग अपने उमरगांव में फ्लैट पर, और ये अपने सारे फ्लैटमेट हैं, हम लोग फ्लैट पे आ गए, और जो सरप्राइज बता रहे हो ना लास्ट में, बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। Like it's not even there, nah, we feeling ourselves in-
मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा पाया क्योंकि अंदर अलाउ नहीं था ये सब वीडियो वगैरह बनाना, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। वैसे लास्ट तक बने रहे, बहुत मजा आएगा इस ब्लॉग में, आगे दिखाते हैं काफी ज्यादा क्लिप है। सो हे फाइनली सुबह का इंतजाम खत्म हो चुका है। सरप्राइज ये है कि हम दोनों लोग आपको बहुत जल्दी एक वेब सीरीज में दिखने वाले हैं और उसकी शूट के लिए आए थे और हमारा शूट कम्प्लीट हो गया है। जैसा आप देख सकते हैं आप, हमारा बहुत जल्दी हम लोग यहाँ से निकल कर अपने घर पहुँच जाएंगे, तब ये एडिट करके ब्लॉग अपलोड करेंगे। गुड न्यूज यही थी कि हमारा काम हो गया, जैसे यहाँ पे अलाउ नहीं है वीडियोस वगैरह शूट करना, लेकिन मैंने कुछ क्लिप्स बना दी। मैं अभी यहाँ पर अलाउड नहीं है इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं दिखा सकते आप लोगों को, मगर हम लोग किसी कैरेक्टर में किसी वेब सीरीज में आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है? अब वो सब कुछ सीक्रेट है, वो बता नहीं सकते, सॉरी। सुबह 9 बजे शूट चल रहा है, अभी देखो रात होने वाली है। 24 आवर्स का सफ़र करके आए हैं, 24 घंटे 1 मिनट के लिए भी नहीं सोए हैं और उसके बाद सीधा आ गए हैं शूट पर। बस कहना बस यही चाहूँगा कि दुआ करिए बस, जो हम लोगों ने काम किया है आप लोगों को पसंद आया। और ठीक है, मैं आपको कैम वो कहा है अपने बुए मिया भाई, एक रह सुना तो बुए मिया वाली चले तेरा जोर तेरे आगे ही बदला सीन, माइकल जैक्सन डबल सीन कमो गैस फ्यूचर तेरा डांस ऊपर से तेरी कमर लग जाए सीने में जब नाचे सोड़े को पसीने में चलती है बटका के ध्यान मेरा मैडम जी, मैं तेरा भाई नहीं है ये हाँ तो आओ भैया, चलो भाई आ गए। हमारे सीन में कोई हमारे को टक्कर देने वाला नहीं है, तो पक हो गया कल रखा होगा। जीतते हुए श्री मोंटी भाई गाँव वाले, गाँव वाले जी फरमाइए मैं अपना इक्का तभी दिखाऊंगा जब सामने वाला वास्ता होगा। ये बॉय देखो के बना हुआ है, बना हुआ पुलिस क्या बोलती पब्लिक। बहुत जल्दी जो है ना दिखेंगे हम लोग एक वेब सीरीज में, बस यही सरप्राइज था और बहुत मजा आया। पूरे दिन शूट था, हमारा पैकअप होने वाला है और हम घर जाएंगे सोएंगे। 24 घंटे से शूट कर रहे हैं, दिमाग खराब है, हालत बेकार हो चुकी है भाई। 24 घंटे सफर करके आने के बाद सीधा शूट पर आ गए और पूरा दिन शूट देखिए, आके पूरी भर गई है हम लोगों की, तो बहुत जल्दी टीवी पे देखिएगा आप लोग। लेकिन हम वेब सीरीज का नाम या कुछ भी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो जब आएगी जरूर आप लोगों को पता चल जाएगा और हम भी स्टेटस में लगा देंगे। बाकी बस आप लोगों की दुआओं से यहाँ तक पहुँच गए, आगे भी अल्लाह पाक कामयाबी दे, दुआ करिए। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।